नमस्कार साथियों, नॉलेज वी सी एम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो खसरा है आपका B1 है और मिसल किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो भी डिजिटल साइंस सहित। साथियों, आपको बार बार पटवारी कार्यालय के चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जा करके ये CG भुइयां टाइप करनी है। टाइप करने के बाद ऐसे ही आप सर्च को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर देखिए सबसे टॉप में लिखा है भुइयां और इसकी जो वेबसाइट है वह है bhuiya.cg.nic.in। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा जो भुइयां की वेबसाइट है उस पर आप सीधा चले जाएंगे। ये देखिए आपके सामने लिखा है भुइयां भू अभिलेख कंप्यूटरीकरण छत्तीसगढ़। यहाँ पर दिया है नागरिक सुविधा। नागरिक सुविधा के जस्ट ये नीचे में आपको दिया गया है खसरा विवरण। तो जैसे ही आप खसरा विवरण पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑप्शन दिया गया है जिला। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप अपना जिला सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। जिला सिलेक्ट करने के बाद नीचे में ऑप्शन दिया है तहसील और यहाँ पे लिखा है चुने। तो ड्रॉप डाउन से आपको अपना तहसील चयन कर लेना है, जिस भी तहसील का आप मिसल या B1 या नक्शा खसरा निकालना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्राम चुने में आपको ड्रॉप डाउन से आपको अपना ग्राम चयन कर लेना है इस तरह से। देखिए मैं अभी एक ग्राम चयन कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये लीजिए। ग्राम चयन करने के बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जैसे ही आपने चयन किया ग्राम, उसके बाद यहाँ पर जिला जांजगीर चांपा, तहसील बलौदा, राजस्व निगम, राजस्व निरीक्षण बलौदा 2, ग्राम जावलपुर 13 करके लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, आप अपना जो B1 है मिसल है उसको आप दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन सर्च करके। एक है खसरा वार और दूसरा है नाम वार। यदि आपको खसरा नंबर मालूम है तो यहाँ पर लिखा है खसरा वार, यहाँ पर खसरा क्रमांक चुने। तो यहाँ पर जैसे ही आप चुने को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन पर इस तरह से उस गांव में जितने भी खसरा नंबर है उसकी जानकारी आपके सामने इस तरह से प्रदर्शित हो जाएगी। तो जितने भी खसरा नंबर है आपके गांव के वो आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा ड्रॉप डाउन से। और जिस भी आप खसरा नंबर की जानकारी चाह रहे हैं, B1 निकालना चाह रहे हैं या फिर आप खतौनी निकालना चाह रहे हैं, तो खसरा निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस तरह से आपको ये नंबर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप नंबर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए कुछ समय यह लोडिंग लेगा, सर्वर जो है। लोडिंग लेने के बाद आपके सामने उस खसरा नंबर की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी इस तरह से। देखिए आपके सामने खसरा नंबर की जानकारी प्रदर्शित हो गई है। यहाँ पर लिखा है सामान्य जानकारी करके, यहाँ पर लिखा है चयनित खसरा क्रमांक व रकबा जो हेक्टेयर में रहेगा इस तरह से। फिर उसका बसरा क्रमांक लिखा हुआ आएगा। फिर खाते में जितने भी और अन्य रकबे हैं, अन्य खसरे हैं, उसकी भी जानकारी आपके सामने इस तरह से प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने आता है धारणाधिकार, अर्थात ये जो जमीन है वो किस प्रकार की जमीन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है भूमि स्वामी कृषि भूमि है, यानी कि शासकीय भूमि नहीं है, निजी भूमि है। उड़ान खसरा इस तरह से। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है नक्शा। देखें यहाँ से आप नक्शा देखो, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस जमीन जो खसरा नंबर आपने प्रविष्ट किया है उसके नक्शा आपके सामने इस तरह से प्रदर्शित हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने जो प्लाट रिपोर्ट है इस तरह से आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ से आप आसानी से उक्त जमीन का जो क्या बोलते हैं नक्शा है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने उक्त जमीन की जो नक्शा खसरा है आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से हम आसानी से नक्शा भी देख सकते हैं। और ऊपर में यहाँ पर देखिए एक आइकन दिया गया प्रिंट का, इसको दबा करके आप इसका हार्ड कॉपी प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम, नीचे में दिया गया है खसरे में शामिल संपत्ति कर विवरण। यदि आप संपत्ति कर विवरण देखना चाह रहे हैं तो आपको ये देखे को क्लिक करना है। जैसे ही आप देखे को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर लिखा है नो रिकॉर्ड फाउंड। फिर उसके बाद आपके सामने दिया है खसरे के पूर्व के पंजीयन ब्यौरे, यानी कि जो खसरा के पूर्व पंजीयन के ब्यौरा आप देखना चाह रहे हैं तो ये आपको देखे को क्लिक करना है। जैसे ही आप देखे को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जानकारी इस तरह से दिखाई पड़ेगी। अभी जो सर्वर क्या है लोडिंग ले रहा है, तो लोडिंग लेने के बाद आपके सामने पेज डिस्प्ले हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पर रिपोर्ट करके ऑप्शन दिया गया, यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल हस्ताक्षरित खतौनी यानी कि B1 प्राप्त करें। तो यहाँ पर आपको ये नंबर दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही आप नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक PDF में जो आपका B1 है डिजिटल हस्ताक्षर, वह आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये फार्म B1 किस्तबंदी खतौनी आसामीवार हमारे सामने प्रदर्शित हो गया है, वो भी PDF फॉर्मेट में। यहाँ पर देखिए प्रिंट का आइकन दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप इसको प्रिंट निकाल के इसका हार्ड कॉपी भी अपने पास रख सकते हैं। यहाँ पर उसका जो नंबर है वो दिया गया है, यहाँ पर आपका ग्राम का नाम, हल्का नंबर, राजस्व निरीक्षक मंडल और तहसील, ये जिला का नाम इस तरह से लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर देखिए खाता क्रमांक करके यहाँ पर खाता क्रमांक नंबर लिखा रहेगा, यहाँ पर भू स्वामी जितने भी है उसके नाम यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर खाते में शामिल जितने भी भू नंबर है उसके नंबर लिखा रहेंगे, और यहाँ पर आपका जो खसरा नंबर है और कितना हेक्टेयर्स है उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से आप आसानी से अपना जो फॉर्म B1 निकाल सकते हैं और उसका हार्ड कॉपी भी आप अपने पास रख सकते हैं, वो भी सीधा ऑनलाइन। और ये डिजिटल हस्ताक्षरित है, ये ट्रू कॉपी है यहाँ पर लिखा गया है, इस तरह से आप इसका डिजिटल कॉपी भी आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं खसरा की। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में दिया गया है डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा P2 खंड 1 किस प्रकार से प्राप्त करें, उसके लिए यहाँ पर देखिए ये नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिजिटल हस्ताक्षरित खसरा भी आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा PDF फॉर्मेट में। इस तरह से ये देखिए इस तरह आपके सामने PDF फॉर्मेट प्रदर्शित हो गया है, और यहाँ से प्रिंट आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं और हार्ड कॉपी अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से अपना जो B1 और खसरा आसानी से हम ऑनलाइन बिना समय व्यतीत किए गवाएं हम आसानी से निकाल सकते हैं, और इसके लिए हमको बार बार क्या है पटवारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर लिखा है भू स्वामी की जानकारी, तो यहाँ पर भू स्वामी उस नंबर के कौन कौन है उसका नाम भी इस तरह से आपके सामने पूरी तरह से प्रदर्शित होगा। और यहाँ पर फसल हेतु जानकारी दी गई, यहाँ पर फसल की जानकारी भी आपको दी गई है कि सिंचित असिंचित दुफसली पड़ती पड़ती अन्य पड़ती, इस तरह से पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट के अंदर आसानी से मिल जाएगी और आसानी से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको खसरा नंबर मालूम नहीं है और आपको नाम मालूम है तो किस प्रकार से आप क्लिक करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आप नाम वार के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नाम वार के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही हम नाम वार पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से जानकारी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर लिखा है नाम का कोई अंश दे नाम वार खोजने हेतु, तो यहाँ पर हम नाम का कोई भी अंश यहाँ पर इस प्रकार से दे देंगे, और देने के बाद यहाँ पर ये खोजे बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप खोजे बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने राम लिखा है, तो राम नाम से जितने भी व्यक्ति हैं उस गांव में उसकी पूरी जानकारी हमारे सामने यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है नाम चयन करें, तो यहाँ हम ड्रॉप डाउन से इस प्रकार से देखिए जितने भी राम लिखा हुआ है सबकी जानकारी हमारे सामने प्रदर्शित हो गई है। तो इस तरह से आप जिसका भी जो भी नाम है जिसका आप देखना चाह रहे हैं उस नाम को आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा उस नाम की जितने भी जानकारी है उससे संबंधित जो खसरा नंबर है उसकी जानकारी आपके सामने नीचे की ओर इस तरह से प्रदर्शित हो जाएगी। इस तरह से देखिए इस तरह से आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। इस तरह से हम छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनकी जानकारी ऑनलाइन इसके माध्यम से हम उनकी जो ऑनलाइन खसरा है मिसल है या B1 है उसकी ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित हम ऑनलाइन उसका रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्रिंट अपने पास रख सकते हैं। इसके लिए हमें कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।